आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा बाह में मानक के विपरीत बन रहे पेट्रोल पंप के विरोध में सड़कों पर उतरे ग्रामीणों ने ईंट भट्टों के बगल से बन रहे पेट्रोल पंप को बताया मानक के विपरीत। पेट्रोल पंप निर्माण को मानक के विपरीत बताते हुए जमकर काटा हंगामा। विरोध प्रदर्शन करते हुए पेट्रोल पंप पास करने वाले अधिकारियों पर लगाया शॉर्टकट का आरोप। मजदूर वर्ग के लोगों ने ईंट भट्टे के बगल से पेट्रोल पंप खोलने पर जताई आग लगने पर बड़े हादसे की आशंका। ग्रामीणों का आरोप, ईंट भट्टे पर पकाई के दौरान उठने वाली आग की लपटों की चपेट में आने से पेट्रोल पंप पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। करीब 200 से 300 सपरिवार के साथ झोपड़ी झुग्गियों में रहते हैं मजदूर वर्ग के लोग। पेट्रोल पंप पर रोक न लगने पर ग्रामीणों ने आत्मदाह व पलायन की दी चेतावनी। HPCL कंपनी का डाटा संख्या 110 माइलस्टोन 53 बाह आगरा हाईवे मार्ग पर बन रहा है पेट्रोल पंप। थाना बसई अरेला क्षेत्र के पूरा जवाहर स्थित बाह आगरा हाईवे मार्ग पर निर्माणाधीन पेट्रोल पंप का है पूरा मामला। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। नाम है मेरा। कहाँ पर रहते हैं? यहाँ से आई पूरा सफारी में रहते हैं। क्या काम करते हैं? यहाँ ईटीजी पताई का काम करता हूँ मैं, जिला महोबा रहने वाला हूँ। यहाँ पे 100-200 मजदूर रहते हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या मेरी ये है सर, यहाँ पे 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे नए पेट्रोल पंप की शुरुआत हो रही है जो कि 15 मीटर दूर है भट्टे से, और भट्टे में तो आँच का काम रहता है, आग का काम रहता है। भविष्य में यहाँ पे आग लग सकती है। अगर आग लगी रात में बताइए तो हम बीवी बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए मेरी गुजारिश है प्रशासन अधिकारी से कि इस पर रोक लगाएं और हमारा जो रोजी रोटी चलती है उस पर लात ना मारे। कितने भट्टे हैं जितनी बराबर में जो पेट्रोल पंप का निर्माण कहा चल रहा है, कितने भट्टों के पास में? कम से कम 3-4 भट्टे हैं, और बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पे, बराबर में ही है 3-4। आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि कृपया करके इसको इस पर रोक लगाई जाए, और अगर इस पर रोक नहीं लगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा बताइए? इसके जो मुद्दे हुए हैं, विशेषकर जो जिले के अधिकारी हैं वो तो बिल्कुल बिके हुए हैं, कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ये बहुत ही गलत है। क्या मांग है आप, क्या चाहते हैं? मांग ये है कि इसको तत्काल बंद कराया जाए और गरीबों को रोजी रोटी के संकट से उबारा जाए, ये यहाँ पर रह सके, बच्चों का पालन पोषण कर सके। इस मामले की उच्च अधिकारियों की शिकायत की गई है? उच्च अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की गई थी, DM साहब से शिकायत की गई थी, लेकिन उसका जो वो आया SDM साहब के पास, और SDM साहब ने अपने अधीनस्थों के विरुद्ध अधीनस्थों को लेके गलत रिपोर्ट लगा के और गलत रिपोर्ट सौंप दी। इस मामले में अभी कुछ आपको संतुष्ट जवाब नहीं मिला? कोई संतुष्ट जवाब नहीं है, और ना ही कोई मिलने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन चंद पैसों में और जिंदगी के लोगों से खिलवाड़ कर रहा है। कोई अगर ठोस कार्रवाई नहीं दिखती तो आप लोग क्या? नहीं, अगर कोई नहीं हुआ तो ये लोग जाम लगाएंगे, क्या करेंगे, ये आत्मदाह करेंगे, ये बेचारे मजदूर हैं। जी क्षेत्र हमेशा आग में रहता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।